कैरियर। हेलो गाइस, एग्जीक्यूटिव स्पेशल कैरियर एग्जाम्स कब होगा, स्पेशल कैरियर फॉर्म कब आएगा, और स्पेशल कैरियर और कैरियर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन स्पेशल कैरियर और कैरियर, यानी कहने का मतलब है कि स्पेशल कैरियर में और कैरियर में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव स्पेशल कैरियर कब होगा, क्योंकि कई सारे छात्र पूछ रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो में एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स कब होगा, फॉर्म कब आएगा और क्या डिफरेंस, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी अपडेट बातों, ठीक है, ट्वीट आपको देख रहना चाहिए कि एक्यूटिव की स्पेशल कैरियर की परीक्षा 15 से 25 सितंबर के बीच शुरू हो सकती है, और 2021-22 के सम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम के बाद स्पेशल कैरियर की परीक्षा टाइम टेबल जारी किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्यूटिव का स्पेशल कैरियर एग्जाम्स होगा वो कब से 15 से 25 सितंबर के बीच हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्स हो सकता है, और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है यानी स्पेशल कैरियर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, तो उसको लेकर ये बताया गया है कि अब सीओपी के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सम सेमेस्टर के सारे रिजल्ट आ जाएंगे फाइनल ईयर थर्ड ईयर के बच्चों के, तब से फिर एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यानी मान के चलिए अब सीओपी रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आज कोई बच्चों के आए हैं, तो आज कल परसों यानी 2 से 3 दिन में जब सभी बच्चों के सारे ब्रांच के रिजल्ट आ जाएंगे, तो कभी भी आपका स्पेशल कैरियर फॉर्म आ सकता है। हो सकता है आप कल भी एक ईटीयू नोटिस जारी कर दे, परसों नोटिस आ जाए, यानी ये मान चलिए कि इसी वीक में कोई ना कोई सूचना ज़रूर आ जाएगी। हो सकता है इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसी वीक में आ जाए, तो जल्द ही आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है कि आपका स्पेशल कैरियर एग्जाम्स फॉर्म कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब कई सारे छात्र पूछ रहे हैं सर इसमें जो है कौन कौन से लोग जो है एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप 2000 इस बार क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। अब 2022 में मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एक ईटीयू का नोटिस नहीं है इसमें, 2022 में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, अब चाहे वो 2016 के बैच के हों, 2017 के बैच के हों, 18 के बैच के हों, 19 के बैच के हों, कोई लेना देना नहीं है। बीटेक हो, बी फार्मा हो जो है, या फिर जो है सिविल हो, इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच हो, अगर उनकी बैक लग गई है तो इस बार वो स्पेशल कैरियर में एलिजिबल होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इस पर मोहर नहीं लगी है, इसको फाइनल मत समझना, हो सकता है कुछ में बदलाव भी हो जाए, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, बाकी फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, इस बार 2022 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए मेरे हिसाब से वो सभी बच्चे एलिजिबल होंगे, सभी बच्चे स्पेशल कैरियर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अब कई सारे छात्र खास करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र पूछ रहे थे कि सर कैरी ओवर, कैरी ओवर और स्पेशल कैरियर में क्या फ़र्क है। देखो बच्चों, स्पेशल कैरियर जिसे हम कहते हैं स्पेशल कैरी ओवर, और एक होता है कैरी ओवर, इसमें तो पहला डिफरेंस हो गया कि इसमें यस है, इसमें यस नहीं है। ठीक है, इसमें यस है, इसमें यस नहीं है। अब आप लोग हो सकता है इसको हल्के में ले रहे हो। अब देखो स्पेशल कैरियर का मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ वही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जो पास आउट हो चुके हैं। जैसे मान लो जो कि अभी आपका सेवन सेवन सेमेस्टर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, हाँ अगर आप 8th सेमेस्टर दे चुके हो उसके बाद आपकी बैक आ गई तो आप एलिजिबल हो। मैं फिर बता दूं, इसमें वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो पास आउट हो चुके हैं। कब पास आउट हुए हैं इससे मतलब नहीं होगा, और बाकी नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन वेट करिए। फिर बता दूं, जो कैरियर एग्जामिनेशन फॉर्म वो होता है जो फर्स्ट ईयर या के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर के थर्ड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में आपका बैक आती है, किसी भी सेमेस्टर में ऑड में इवन में, तो आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो, जो एग्ज़ाम देते हो, उसको बोलते हैं कैरी ओवर, उसी को बोलते हैं बैक पेपर, कैरी ओवर के ही बोलते हैं बैक पेपर, उसी को बोलते हैं सीओपी, कैरी ओवर पेपर। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कैरी ओवर, बैक पेपर, सीओपी सभी सेम है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। स्पेशल कैरियर केवल फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं जो पास आउट हो चुके हैं, पास आउट से पहले एलिजिबल नहीं है। बाकी कब एग्ज़ाम होगा 15 से 25 के बीच में बताया जा रहा है, नोटिस नहीं आई है। फॉर्म कब से आएगा, फॉर्म हो सकता है इसी वीक में आ जाए, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जैसे कोई आएगा फॉर्म वगैरह नोटिस, मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो इसलिए घंटी का बटन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि एक शेयर से किसी का एक साल बचेगा तो ज़रूर आपको दुआ देगा, आपको क्या करेगा भगवान से प्रार्थना करेगा। और भी आप हमेशा चेक करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, वेबसाइट पे भी एक्टिव की जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन हमारे चैनल पे ज़रूर वीडियो अपलोड होगी। आई होप अगर कोई नोटिस आती है जल्द ही नोटिस आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस में, थैंक यू सो मच बेस्ट।